ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे शत प्रतिशत शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का कहना, कांग्रेस सरकार में दिवालियापन की कगार पर पहुंचा हिमाचल, अधिकारियों की जुबान बंद करने के लिए हो रहे हैं तबादले। मंडी पुलिस ने की नाके के दौरान एक बड़ी सफलता हासिल, एक जीप से अवैध शराब की 70 पेटियां की गई बरामद, जीप चालक हिरासत में। नेत्रहीन के साथ दो युवकों ने किया दुष्कर्म, और थाना के तहत आने वाले बाई चौकी क्षेत्र की घटना, पुलिस ने आरोपी दोनों युवकों को किया गिरफ्तार। और सुंदरनगर में निजी स्कूल के पास खोल दिया गया शराब का ठेका, महिलाओं का शराब ठेके के विरोध में ठेके के बाहर भजन कीर्तन जारी। भारत सरकार जननी एवं बच्चे की सुरक्षा के लिए अनेक सराहनीय कदम उठा रही है। नेशनल हेल्थ मिशन एवं WHO के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगामी अगस्त माह से एक कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें 9 महीने से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों को MRT का लगाया जाएगा, जो कि बच्चों में मिजेल बीमारी को खत्म करेगा एवं रूबेला को रोकेगा। सोलन में इन बीमारियों को रोकने के लिए उपायुक्त राकेश कंवर की अध्यक्षता में विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें कि आने वाले समय में संबंधित विभाग के साथ साथ स्कूल कॉलेजों व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित आशा वर्कर इस टीके के बारे में लोगों को जागरूक करेंगी, जिससे कि अगस्त माह से शुरू होने वाले इस कैंपेन में 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चे छूट न सके। जिला स्वास्थ्य अधिकारी NK गुप्ता ने बताया कि मिजेल एक ऐसी बीमारी है जिससे देश में प्रत्येक वर्ष 50,000 से लेकर 1,00,000 तक बच्चों की मौत हो जाती है। इसे रोकने के लिए MR वैक्सीन 9 माह से 15 वर्ष के बच्चों को अगस्त माह से कैंपेन के द्वारा लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी लोग इसमें सहयोग करें व ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हिमाचल में मीजल्स की इरेडिकेशन के लिए और रूबेला की कंट्रोल के लिए MR कैंपेन चलाने जा रहे हैं, जो कि अगस्त में होने वाली है। मीजल्स एक ऐसी बीमारी है जिससे कि हर साल 50,000 से लेकर 1,00,000 बच्चे हमारे इंडिया में मर जाते हैं। इसको हमने ऑलरेडी हमारी इम्यूनाइजेशन तो हो रही है, मगर कभी भी हमें इसको कैंपेन मोड में नहीं लिया। तो अब हमारा एक ध्येय है कि 2020 तक हम मीजल्स को इरेडिकेट करेंगे और रूबेला जो एक ऐसी बीमारी है जिससे कि प्रेग्नेंट मदर में अगर हुई हो तो आगे बच्चों को कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स होते हैं, उनको ऐसी बीमारियां होती है जिससे कि वो हैंडीकैप्ड हो सकते हैं, तो उस बीमारी को हमने कंट्रोल करना है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि जिन जिन के बच्चे 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चे हैं, वो इस कैंपेन में भाग लें और अपने बच्चों को इंजेक्शन लगवाएं। अगर हमारे बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना है तो हर बच्चे को, चाहे उस बच्चे को पहले ये इंजेक्शन लगा है या नहीं लगा है, जो 9 महीने से लेकर 15 साल के बीच में आता है उसको ये इंजेक्शन जरूर लगवाएं। बता दें कि इस टीकाकरण अभियान से रूबेला रोग को रोका जाएगा व मिजेल को जड़ से खत्म किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन। हिमाचल में पिछले 4 महीनों से शराब ठेके खुलने के विरोध में महिलाएं, आम जनता व बच्चे सड़कों पर है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर आबकारी कराधान विभाग व प्रदेश सरकार ठेके लगातार खोल रहा है। वहीं सुंदरनगर में एक निजी स्कूल के पास खोले गए शराब ठेके के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद के ललित नगर में पिछले करीब 17 दिन पहले नियमों को ताक पर रखकर शराब का ठेका खोला गया और उसका लोगों ने भारी विरोध भी किया, लेकिन शराब का ठेका एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट तो कर दिया गया, लेकिन अब एक निजी स्कूल के बाहर इस ठेके को खोल दिया गया है। लोगों और बच्चों का कहना है कि स्कूल के नजदीक और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ठेका खुलने से जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में शराबी शराब पीकर हुड़दंग मचाकर गाली गलौज करते हैं। 17 दिन से यहाँ पे शराब का ठेका खुला हुआ, हम उसका विरोध कर रहे हैं और प्रशासन जो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और हमें झूठा आश्वासन दे रहे हैं और PWD के द्वारा यहाँ नपाई हुई है उसके अनुसार जो है कम है और फिर भी ये जबरदस्ती यहाँ पे ठेका खोल के बैठे हो और यहाँ पे उठा नहीं गई। पिछले 15-16 दिनों से यहाँ पे शराब का ठेका चित्रोखड़ी वार्ड नंबर 2 और 5 में शिफ्ट हुआ है। पहले ठेके का विरोध हम 17 दिनों से महिलाएं कर रही है। ये दोनों ट्रैफिक लाइट्स के बीच में है ठेका और स्कूलों, 2 स्कूल है, प्राइमरी स्कूल और ये सेंट मैरी स्कूल, दोनों स्कूलों के बीच में, जिसमें नॉर्म्स भी पूरे नहीं है।
और ये पीडब्ल्यूडी वाले ने 96 तक पूरा किया, इसको 100 मीटर से कम है और उसके बाद भी ठेका नहीं उठाया जा रहा है। और दोनों स्कूलों के बच्चे जो है उनका आना जाना इसी साइड से है, तो प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी ठेके को और जगह शिफ्ट किया जाए। वही स्कूल के बच्चों का कहना है कि जब तक यहां से ठेके को नहीं हटाया जाता तब तक वे स्कूल नहीं जाएंगे। वही महिलाओं के गांधीवादी तरीके से हर कोई हैरान है। महिलाओं ने फैसला लिया है कि जब तक यहां से ठेका नहीं हटाया जाएगा तब तक शराब के ठेके के बाहर बैठकर किसी को भी शराब नहीं पीने दी जाएगी और दिन रात ठेके के बाहर बैठकर भजन कीर्तन किया जाएगा। हम स्कूल जाते हैं और यहाँ पर एक शराब का ठेका खोल दिया है, इसे हमें जाने में परेशानी होती है। ये स्कूल ठेका बंद नहीं हुआ हम स्कूल जाना बंद कर देंगे। अगर ठेका बंद नहीं हुआ हम छुट्टियाँ कर देंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। महिलाओं ने शराब ठेके के विरोध में ठेके के बाहर भजन कीर्तन भी किया। अब होगा कि क्या प्रशासन और सरकार महिलाओं द्वारा इस तरह का रास्ता अपनाए जाने के बाद यहां से ठेका हटाएंगे या नहीं, या स्कूल के बच्चों और आम जनता को ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। बाली चौकी क्षेत्र में एक दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मंडी जिला के और थाना के तहत आने वाले बाली चौकी क्षेत्र में दो युवकों द्वारा एक नेत्रहीन के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना बीती रात की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार युवकों ने युवती के नेत्रहीन होने का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। युवती ने घर वालों को जब आप बीती बताई तो परिजनों ने इसकी सूचना बाली चौकी पुलिस को दी। बाली चौकी पुलिस की टीम ने इस मामले में यहां के ही दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी मंडी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि युवती के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने धारा 376, 34 और 342 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि युवती का मेडिकल करवा दिया गया है और दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एएसपी के अनुसार पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। दो युवकों को जो कि बाली चौकी क्षेत्र के रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। युवती धेड़ गांव की बताई गई जिसकी उम्र 20 साल है और यह भी बताया कि वो युवती दिव्यांग है और देख नहीं पाती है। इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए सदर अपना थाना ऑट में मामला दर्ज किया गया है। धारा 376 IPC, 34 IPC और 342 IPC के तहत और थाना में मामला इसमें दर्ज कर दिया गया है। आगे कार्रवाई पुलिस कर रही है। अभी फिलहाल लड़की का मेडिकल परीक्षण ZH मंडी में कराया गया है। आगामी कार्रवाई इसमें नियमानुसार की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मंडी पुलिस की टीम ने पुलघाट के पास रात्रि के समय नाके के दौरान एक जीप से अवैध शराब की 70 पेटियां बरामद की है। अवैध शराब की तस्करी के आरोप में कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मंडी पुलिस की टीम ने स्पेशल कैंपेन के तहत अवैध शराब की खेप बरामद करने में सफलता हासिल की है। इस खेप में पुलिस ने अवैध शराब की 70 पेटी बरामद की है। इस मामले को लेकर एएसपी मंडी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि सिटी पुलिस की टीम ने पुलघराट के पास नाके के दौरान एक जीप से अवैध शराब की 70 पेटी बरामद की है और शराब तस्करी के आरोप में कार चालक को हिरासत में लिया गया है। एएसपी मंडी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि कार में कुल दो व्यक्ति थे और जिसमें कार चालक को हिरासत में लिया गया है, वह दूसरा आरोपी व्यक्ति मौके से फरार हो गया है। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आज रात को सिटी पुलिस मंडी द्वारा रात्रि में नाकाबंदी के दौरान एक जीप से 70 पेटी शराब जो अवैध तरीके से ले जाई जा रही थी पुलघराट में नाके के दौरान बरामद की है। इसमें दो एक्यूज थे, एक अक्यूज मौके से फरार हो गया था और दूसरा जो वाहन का चालक था सुरेश कुमार जो देरा कांगड़ा का रहने वाला है उसे अरेस्ट किया गया है। कल उसे अदालत में पेश कर दिया गया। एंटी टोबैको डे पे मंडी पुलिस द्वारा एक स्पेशल कैंपेन चलाया गया था। उस दिन पूरे जिला में मंडी पुलिस द्वारा 81 लोगों के खिलाफ धूम्रपान करने पर कार्रवाई करी। वहीं एएसपी मंडी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर मंडी पुलिस ने स्पेशल अभियान के तहत मंडी जिला में सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू सेवन करने के 81 मामलों पर कार्रवाई की
और भविष्य में भी पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल इम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलान शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल इम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश के आर्थिक प्रबंधन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल को दी जाने वाली आर्थिक सहायता व अनुदान में कई गुना बढ़ोतरी किए जाने के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा बार बार ऋण लेने की नीति समस्या परे है। उन्होंने कहा कि बीते एक महीने में ही अतिरिक्त 1200 करोड़ रूपए के ऋण से प्रदेश का कुल ऋण लगभग 50,000 करोड़ रूपए को पार कर चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने जारी बयान में कहा कि कांग्रेस सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन ने प्रदेश को दिवालियापन की कगार पर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुख्ता सूचना के अनुसार प्रदेश के एक सहकारी बैंक से 200 करोड़ रुपए का कर्जा कंपनी विशेष को दे जाने की तैयारियां चल रही थी, जो कुछ विशेष कारणों की वजह से रुका हुआ है। जो अधिकारी नियमों के खिलाफ कर्जे देने का विरोध कर रहे हैं, उनकी जुबान बंद करने के लिए उनका तबादला करके उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। नोटबंदी के दौरान व पश्चात से प्रदेश के सहकारी बैंकों के प्रबंधन में गड़बड़ियां की गई शिकायतें मिल रही है, इसलिए इन सारे मामलों की जांच सीबीआई द्वारा करवाई जानी आवश्यक है। निश्चित है कि एक बड़ा घोटाला प्रदेश की जनता के समक्ष आएगा। धूमल ने कहा कि प्रदेश के सहकारी बैंकों में केवल ऋण संबंधी गड़बड़ियों की ही शिकायतें नहीं है, बल्कि कांग्रेस सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर एक बड़े भर्ती घोटाले को भी अंजाम दिया है। नियमों के अनुसार प्रदेश के बैंकों में भर्तियां IBPS के द्वारा होनी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इन भर्तियों को IBPS से न करवाकर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से करवाया, जो इन भर्तियों को करने के लिए अधिकृत ही नहीं है। धूमल ने कहा कि प्रदेश के सहकारी बैंकों में हुई भर्तियों के क्षेत्र विशेष व विचारधारा विशेष के लोगों को स्थान मिला है और सभी जगह से अनियमितताओं की भारी शिकायतें मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सारे घोटालों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो केवल CBI द्वारा ही संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी हरमा अपने अधीन आने वाले 15-15 स्कूलों का दौरा कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। स्कूलों में पढ़ाई भवनों की स्थिति, मिड डे मील व लाइब्रेरी व्यवस्था का पूरा ब्यौरा जुटाया जाएगा। यदि किसी स्कूल प्रशासन ने भवनों की दुर्दशा को लेकर लंबे समय से शिक्षा उपनिदेशक या अन्य अधिकारियों को अवगत नहीं करवाया होगा तो उनसे इस संदर्भ में जवाब तलबी की जाएगी। निदेशालय से मिले आदेशों पर सभी जिलों में इस स्तर पर कसरत शुरू हो गई है। बार बार हो रहे सर्वेक्षणों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के लिए योजनाएं तो बनी, लेकिन धरातल पर कार्य नहीं हुआ। अब निदेशालय इस बिंदु पर सख्त हो गया है और सभी उप शिक्षा निदेशकों को इस संदर्भ में निर्देश जारी किए गए हैं। माध्यमिक स्तर की कक्षाओं तक मिड डे मील का प्रावधान है। सभी शिक्षा खंडों से हर महीने 15 स्कूलों की रिपोर्ट आएगी। विभिन्न स्तरों पर स्कूलों में निरीक्षण के लिए गए दलों ने पूर्व में जब बच्चों से कई बातें पूछी तो हैरान करने वाले खुलासे भी हुए। बच्चों में न तो मात्राओं का ज्ञान पाया गया और न ही जमा घटाने में महारत पाई गई। अन्य कई बिंदुओं पर भी निरीक्षण के लिए गए दलों के अधिकारी माथा पकड़कर बैठने को विवश हो गए। जिला कुल्लू में मौजूदा दौर में आधा दर्जन के करीब स्कूलों के भवन जर्जर स्थिति में है। ऐसे और कितने भवन हैं, इसका भी इन खंडों से आने वाली रिपोर्ट से भविष्य में खुलासा होगा। स्कूलों में क्या सुधार की जरूरत है, इस पर भी खंड स्तर से सुझाव आएंगे। पूर्व में स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए हुई कसरत के बाद अब नए सिरे से इस पर काम शुरू किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी स्कूल प्रबंधन समिति, अभिभावकों व पंचायत प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। रायत बहारा यूनिवर्सिटी द्वारा जहां नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं, वहीं अनाथ बच्चों को निशुल्क शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। इस बात की जानकारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज सिंह ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी।
रयात बहारा यूनिवर्सिटी ने शिक्षा जगत में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसे पाना अपने आप में अविश्वसनीय है। रयात बहारा ग्रुप के छात्र आधुनिकता की दौड़ में पीछे न रह जाएं, इसलिए यूनिवर्सिटी ने न सिर्फ अपने छात्रों के लिए नए और आधुनिक कोर्सेज शुरू कराए बल्कि उच्च कंपनियों के साथ जुड़कर यूनिवर्सिटी ने छात्रों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए। कड़ी मेहनत और लगन से मेरिट लिस्ट में स्थान बनाने वाले छात्रों को यूनिवर्सिटी ने आर्थिक मदद देने और स्कॉलरशिप प्रदान करने में भी कोई कमी नहीं रखी। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज सिंह ने बताया कि रायत बहारा यूनिवर्सिटी अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है। पूरी तरह से अनाथ बच्चों को 100% फीस में छूट का प्रावधान है, जबकि जिन बच्चों के पिता नहीं है और जो इकलौती लड़कियां हैं उन्हें फीस में 50% की छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी सिर्फ बच्चों को शिक्षा ही नहीं दे रही बल्कि रोजगार के अवसर भी मुहैया करवा रही है। कुछ बच्चे ऐसे हमारे समाज के हैं जो किसी न किसी कारणवश आर्थिक कारणों से एजुकेशन नहीं ले पाते, उनके लिए हमने कुछ विशेष स्कॉलरशिप्स और छात्रवृत्तियाँ दी हैं। उदाहरण के तौर पर जिन बच्चों के माता पिता दोनों नहीं हैं उनकी पूरी ट्यूशन फीस वेव की जाती है हमारे यहाँ पे। किसी के पिताजी अगर नहीं हैं, माताजी सपोर्ट कर रही हैं, उनकी 50% फीस वेव होती है। जो अकेली लड़की घर में है उसकी 50% फीस वेव होती है, और अगर सिबलिंग्स पढ़ रहे हैं तो 25% दोनों या तीनों जो सिबलिंग्स हैं उनको दिया जाता है। इस तरह करीब 4,500 के बीच में बच्चे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इन सब का नतीजा ये है कि जो हम प्रैक्टिकल एजुकेशन दे पा रहे हैं स्टूडेंट्स को, इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम पढ़ा पा रहे हैं, उससे अच्छे रोजगार मिलते हैं, क्योंकि जो स्किल हम दे पा रहे हैं उसकी वजह से कंपनियां आते हैं और कंपनी बच्चों को रिक्रूट करके रोजगार प्रदान करती है। डॉक्टर राज सिंह ने बताया कि यूनिवर्सिटी आधुनिकता के साथ चलने में विश्वास रखती है और उद्योगों में आ रही नई नई तकनीकों की जरूरतों के तहत नए कोर्स करवा रही है। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी के माध्यम से बच्चे आधुनिक कोर्स करके उद्योगों में अच्छा रोजगार पा रहे हैं। एक तो इंडस्ट्री रेलिवेंट प्रोग्राम्स हम ऑफर करते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री में आज है और कुछ आने वाले सालों में होगी, उस तरह की एजुकेशन हम दें। दूसरा, थ्योरी से हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करें, बच्चों को रियल लाइफ स्किल्स हम प्रोवाइड करें। तीसरी विशेषता जो मैंने बताई वो ये है कि ग्लोबल ओरिएंटेशन बच्चों की हो, और पूरे विश्व में किस तरह के ट्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, उनसे वो परिचित हों। और चौथी जो बात बताई थी मैंने एथिक्स और कैरेक्टर बिल्डिंग पर, हमारे देश में एजुकेशन में इस पर्टिकुलर विशेषता कमी रही है पिछले कुछ सालों में, उसको हमने आइडेंटिफाई करके अटेंड करने का प्रयास किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सोलन का आयुर्वेदिक अस्पताल प्रदेश का पहला ऐसा अस्पताल बन गया है जहां आयुष की 5 पद्धतियों की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिसकी शुक्रवार से शुरुआत की गई। इससे अब आयुर्वेदा के साथ साथ अन्य पद्धति से भी बीमारी का इलाज किया जा सकेगा। सोलन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आयुष की 5 पद्धतियों की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई गई है। इसमें अब सोवा, रिकवा एवं यूनानी पद्धति की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इन दोनों ही पद्धति का विधिवत शुभारंभ प्रदेश आयुर्वेद विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर राजेंद्र शर्मा ने किया। इस दौरान विभाग द्वारा कार्यालय सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश आयुर्वेद विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर राजेंद्र शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर तेजस्वी विजय आचार्य ने की। इसके बारे में दोनों चिकित्सकों ने मुख्य अतिथि को पद्धति की जानकारी दी। आयुर्वेद विभाग के प्रदेश संयुक्त निदेशक डॉक्टर राजेंद्र शर्मा ने बताया कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत प्रदेश का ये पहला अस्पताल है जिसमें एक छत के नीचे आयुष की सभी पद्धतियां आज से दी जाएंगी। ये हिमाचल का एक ऐसा हॉस्पिटल है या सोलन में, जिसमें आयुष कंपोनेंट के सभी कंपोनेंट चलाए जा रहे हैं। हिमाचल का ये ऐसा पहला ये हॉस्पिटल है जहाँ इस तरह का कंपोनेंट चलाया गया है। अभी तक तो कुछ एक जो कंपोनेंट है महीने में एक बार चलाए जा रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हफ्ते में एक बार यहाँ जो है इस पद्धति का जो है क्या नाम शुरू किया जाए, डॉक्टर यहाँ बुलाए जाए। हाँ, एक रिकवा यहाँ चलाया जा रहा है और दूसरा जो है यूनानी पद्धतियां चलाई जा रही है, बाकी 3 पद्धति पहले से चलाई जा रही है। नहीं, आम लोगों के पहुंच से आयुर्वेदिक दवाइयां नहीं है, सब सस्ती दवाइयां हैं और सब हर्बल प्रोडक्ट हैं, इससे लोगों का उससे साइड इफेक्ट कोई नहीं होते हैं और सस्ती दवाइयां दी जा रही है। लोगों ने इस पद्धति के शुरू होने पर खुशी जाहिर की। उनका कहना है कि इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे अब राहत मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।